उत्तर प्रदेश बरेली से जिला संवाददाता शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पत्नी द्वारा पति पर झूठा मुकदमा। अपने ससुर को उधार दी गई रकम का तकाजा करने पर सद्दाम हुसैन के खिलाफ झूठी कार्यवाही। न्याय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली कार्यालय पहुंचे थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी सद्दाम पुत्र अली अहमद ने बताया कि गत 2 वर्ष पहले ससुर शफी अहमद पुत्र छोटे को फल का काम करने के लिए 2.5 लाख रुपए में गवाह के साथ लिखित पर हस्ताक्षर दिया था। पैसा वापस मांगने पर पत्नी रुखसार नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। शादी को 4 वर्ष बीत गए पर पत्नी अधिकांश समय अपने मायके में ही रही, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, लौट कर नहीं आई। दूसरी ओर इसी वर्ष गत 21 जुलाई को सद्दाम उसके बुजुर्ग माता पिता तथा उत्तराखंड में रहने वाले बहन बहनोई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व जबरन गर्भपात करवाने से संबंधित झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। एसएसपी बरेली को दिए गए प्रार्थना पत्र में फरियादी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है, क्योंकि जब पत्नी इतने समय से साथ में नहीं रह रही तो फिर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा लिखवाने का क्या मतलब। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम कहाँ से आए हो? फतेहगंज पश्चिमी से। क्या मामला है आज आप एसएसपी ऑफिस बरेली आए हो? ये मामला है मेरे पास से रुखसार 11 महीने 2019 से हुई है। आपकी पत्नी को 1 साल 1 महीना हो गया अपने मायके गए हुए। क्या नाम है उसका? 1 महीना हो गया, रुखसार। रुखसार कहाँ की रहने वाली है? फतेहगंज पश्चिमी। उनके पिता का नाम? शफी अहमद। शफी अहमद। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है, मुझसे 2.5 लाख रुपए कर्ज ले रखा था मेरे ससुर ने। अच्छा जी। ये कब लिया था पैसा? लिया था 2018 में। अच्छा जी, उसकी मैं गवाहों के साथ लिखत पढ़ा थे आपके पास? दो गवाहों के साथ शपथ पत्र लगा के दिए। अच्छा जी, फिर बीच में क्या बात हुई? बीच में ये समय था, ये 1.5 साल के भीतर भीतर लौटाने का। अच्छा जी, वो समय पूरा जितना करीब आता गया उतना ये लोग विवाद बढ़ाते गए। इसी बात से नाराज होकर आपकी पत्नी अपने मायके चली गई। मायके चली गई, उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया। क्या मुकदमा करा? 498 का, 506, 504, 312। अच्छा जी, 3/4। जबकि आपके पास पिछले 1 साल से 1 महीने से नहीं है, नहीं रह रही है। और मुकदमा कराया है 7वें महीने में आके, 2020 में 21/7/2020 में आके मुकदमा मेरे ऊपर कराया। 21 जुलाई को मानने के। आप क्या चाहते हैं आज? आप यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए हैं एसएसपी ऑफिस बरेली? जो सच है वो सामने आए, जो मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद बिल्कुल झूठा है जी, ये निस्तारित किया जाए। जी 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 जी, ऐसा कि आप बता रहे हैं कि जब 4 महीने आपकी पत्नी आपके पास आके रही थी जी, उससे पहले भी काफी समय अपने मायके में रही? उससे पहले 2 साल रही थी। अच्छा जी, 2 साल बाद फिर आई मेरे पास। अच्छा जी, ये क्या क्या आई थी? अलग रहोगे तब आऊंगी। अच्छा जी, अलग पे सब पंचायत हुई थी, अलग पे आई थी ये। अच्छा, माँ बाप मेरे चले गए सितारगंज, मैं रह रहा था यहाँ फतेहगंज। जैसा कि आप बता रहे हो आपके बहन बहनों ही हैं जी, बाहर रहते हैं जी? वो बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं सितारगंज। अच्छा जी, उनका कोई मतलब वास्ता सरोकार नहीं है? कोई मतलब वास्ता नहीं था, इसने उन लोगों से सबका मतलब खत्म करा दिया था। अच्छा, बोले अलग रहोगे, बोलोगे चालोगे कुछ नहीं, इन्हें बिल्कुल अलग करा दिया। उनका नाम भी FIR में दे दिया है? उनका नाम भी, मेरे पापा का नाम अली अहमद है, मेरे माँ का नाम लाड़ो है, इन दोनों का नाम भी दे दिया। जब मैं रह रहा हूँ फतेहगंज में और मेरे माँ बाप सितारगंज रह रहे हैं, 110 किलोमीटर का फासला है, तो उनका नाम कैसे आ गया? मतलब झूठा मुकदमा लिखवा के आपको परेशान कर रहे हैं? झूठा है, क्योंकि 7वें महीने में मुकदमा लिखा गया है 2020 में। जी जी, 21/7/2020 में लिखा गया है, और गवी है 11/2/2019 की गवी है, 2019 में गवी है मेरे पास। जी 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 जी, मतलब 1 साल 1 महीने से गई हुई है जी, तो इतना लेट मुकदमा लिखवाया मेरे ऊपर, बिल्कुल झूठा फर्जी। जी 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 जी, ये क्या है कागज दिखाइए? ये कागज है लिखत। अच्छा जी, ये नोटरी है जी, गवाहों के साथ जी, ये गवाहों के, जो पैसा आपने अपने ससुर शफी अहमद को दिया है, ये 2.5 लाख रुपया एक बार में दिया या 3 बार में दिया था? अच्छा जी, अच्छा जी, कितना कितना पैसा कब कब दिया? ये 2018 में गया, 3 बार में। अच्छा जी, अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ ये मेरा पैसा वापसी किया जाए, मेरी घरवाली मेरे साथ कर दी जाए, और जो मेरे ऊपर बेबुनियाद मुकदमा है झूठा बिल्कुल फर्जी, वो खत्म किया जाए।